आज मैं मेरे ब्रदर का मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रही हूँ एंड वो मेरे रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो को बनाने के लिए तैयार हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ट्रिशा एंड आप देख रहे हो वंडर ट्रिशा। सो आज मैं फिर से एक बॉय टू गर्ल मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मेरा भाई है जो आज मुझे मेकअप करने के लिए हेल्प कर रहा है एंड इसके ऊपर ही मैंने आज ब्राइडल मेकअप ट्राई किया है। सो आज मैं इनके ऊपर एक रॉयल ब्राइडल मेकअप करने वाली हूँ जिसका आईज बहुत ही गॉर्जियस होगा एंड मेकअप भी बहुत गॉर्जियस होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड लास्ट में जो लुक आने वाला है आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले तो मैंने क्लींजर से पूरे फेस को क्लीन करने के बाद आईब्रो ड्रॉ किया है एंड आईब्रो को अभी शेप कर रही हूँ एंड मैंने अभी मॉइस्चराइज़र लगाया क्योंकि मेकअप स्टार्ट करने से पहले मॉइस्चराइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इनका स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली था तो इसीलिए मुझे मेकअप करने में थोड़ा सा दिक्कत भी आई मगर मैंने उसको सॉर्ट आउट भी कर लिया था। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखना। मैंने आईज़ को कंसील करने के लिए यूज़ किया है क्रायलॉन का सुप्रा पैलेट से 28 शेड का कंसीलर एंड इससे मैंने पूरे आईज़ को कंसील किया है मगर इतनी गर्मी थी कि कंसील करके उसको ब्लेंड करते वक्त आप लोग देख सकते हो सारा का सारा प्रोडक्ट रिमूव हो रहा था तो ये मुझे एक मुश्किल लगी। तो इसीलिए मैंने इलेगल का जो कंसीलर है उससे फिर से मैंने कंसील किया एंड उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया एंड आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी से कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया था एंड बहुत अच्छी फिनिश आई थी आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग इलेगल का कंसीलर यूज़ कर सकते हो। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैंने क्रायलॉन का टीएल पाउडर से इसको सेट किया है एंड सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ येलो कलर बेस के लिए एंड इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक मरून कलर। इसको एक पेंसिल ब्रश की मदद से लाइन की तरह मैंने अप्लाई किया है एंड उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आज हम लोग एक कट क्रीज आई क्रिएट करने वाले हैं। अभी मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन से फिर से वैसा लाइन खींचा एंड उसको भी मैंने ब्लेंड कर दिया। कभी कभी हम लोग आई लिड को क्लीन करना भूल जाते हैं कट क्रीज आई मेकअप के टाइम पर तो उससे क्या होता है फिर से हम लोग जब कंसीलर अप्लाई करते हैं ना तो क्रीज फट जाता है। तो इसीलिए मैंने मेकअप रिमूवर को एक ब्रश में लगा के आई लिड के ऊपर स्प्रेड किया है एंड एक कॉटन के पैड से उसको रिमूव कर लिया है तो इससे हमारा आई मेकअप फटेगा भी नहीं। तो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ फिर से इलेगल का कंसीलर एंड इसको मैं एक ब्रश की मदद से नीट एंड क्लीन कर लूँगी एंड ब्लेंड भी कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है एंड इस तरह का मैं और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं आई मेकअप को पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर आप लोग इसका ट्यूटोरियल चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट पे बताना, मैं पूरा ट्यूटोरियल दे दूँगी। सो आई मेकअप हो चुका है हमारा कंप्लीट। अभी आते हैं पूरे फेस के मेकअप पे। जितने भी आई मेकअप की वजह से आई शेडो अंडर आई पे गिरा हुआ है सबसे पहले तो हम लोग मेकअप रिमूवर की मदद से उसको रिमूव कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग अप्लाई करें एक प्राइमर। ये वाटर बेस्ड प्राइमर है एंड इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे फेस में ब्रश की मदद से। अभी हम लोग इनके फेस पे जितने भी डार्क एरिया है जैसे कि अंडर आई मस्टैश या फिर बियर्ड के जगह पे जितने भी डार्क एरियाज़ है वहाँ पे ऑरेंज कंसीलर अप्लाई करेंगे। इनके फेस पे कोई भी एक्ने या उस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं था तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा ही कंसीलर अप्लाई किया है एंड इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है एंड उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे कंसीलर
अभी मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का कंसीलर पैलेट एंड इसे ही मैंने पूरे फेस पे अप्लाई किया है। मुझे कलर शेड नहीं मालूम क्योंकि मैं दो या तीन शेड का कंसीलर एक साथ लेके पूरे फेस पे अप्लाई किया है, तो एग्जैक्ट तो मैं नंबर नहीं बता सकती। अच्छे से पूरे फेस पे कंसीलर स्प्रेड करने के बाद हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस का कंसीलर ब्लेंड करेंगे एंड इसके ऊपर हमें अभी फाउंडेशन भी देना बाकी है। ये कंसीलर वाटरप्रूफ है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर ये सुप्रा का है, ये विंटर के लिए है। आप लोग डर्मा का कंसीलर पैलेट यूज़ कर सकते हो, क्रायलॉन का, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ सुपरस्टे फाउंडेशन। दो कलर शेड को मैंने एक साथ मिक्स एंड मैच करके इनके फेस शेड का बनाया है एंड उसके बाद ही मैंने इसको अप्लाई किया है। अभी हम लोग एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेंगे। आपका बेस जितना अच्छा होगा आपका मेकअप भी उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद हम लोग कॉन्टोर के लिए फिर से क्रायलॉन के पैलेट से सबसे जो डार्क वाला कंसीलर है उससे हम लोग कॉन्टोर करेंगे चीक बोन पे, नोज़ पे, फोरहेड पर। एंड इनका फेस स्क्वायर है तो मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा राउंड दिखाने के लिए एंड चीक को थोड़ा सा फुला हुआ दिखाने का कोशिश किया है मैंने। एंड इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना होगा। कॉन्टोर ब्लेंड करने के बाद हम लोग फिर से इलेगाल का वो वाला कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। ये सबसे लाइट वाला कंसीलर है। इनके मस्टैश पर अप्लाई किया है, नोज़ पर अप्लाई किया है, फोरहेड पर अप्लाई किया है, सभी जगह पे टी जोन पे अप्लाई करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इलीगल का ये जो कंसीलर है ये गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये सुप्रा का जो पैलेट था उससे भी ज़्यादा अच्छा कवरेज दे रहा था एंड पसीना को बाहर नहीं आने दे रहा था, तो ये मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, तो आज मैंने इसको यूज़ किया है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इसके काम से एंड फिनिशिंग से। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, इसको नायका से परचेस कर सकते हो। मैंने नायका से ही परचेस किया था, अराउंड 600 to 700 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंडर आई पे भी मैंने सेम इलीगल का कंसीलर अप्लाई किया है एंड सच में ये एकदम बहुत ही अच्छा फिनिशिंग देता है मेकअप को और ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं करना पड़ता। अंडर आई को भी मैंने क्रायलॉन का पाउडर से सेट कर लिया है एंड पूरे फेस को अभी मैंने क्रायलॉन का पाउडर से सेट कर लूँगी। अभी मैं एक आई मैजिक के ब्रॉन्ज़र पैलेट से ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर रही हूँ एक एंगुलर ब्रश की मदद से।
एंड मैक का फ्लफी ब्रश की मदद से मैं यहाँ पे बहुत सारा ब्लश अप्लाई कर रही हूँ ताकि इनका चीक्स थोड़ा सा फुला फुला दिखे। अंडर आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है येलो कलर का एक आई शेडो एंड उसके ऊपर मैंने डार्क ब्राउन और मरून कलर एक साथ मिला के एक पेंसिल ब्रश की मदद से उसे अप्लाई किया है एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से उसे ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा और डार्क करने के लिए मैंने एक ब्लैक कलर का आई शेडो लिया एंड उसको भी सेम तरीके से ब्लेंड कर लिया है। आप लोग देख सकते हो आई मेकअप कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अभी मैं एक फ्लफी ब्रश की मदद से इनके फेस पे जितने भी एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक PSE का मेकअप सेटिंग स्प्रे से पूरे फेस को सेट कर रही हूँ एंड 2 से 4 मिनट तक इनको ऐसे ही रखना होगा। इसके बाद मैं इनके सर पर अप्लाई कर रही हूँ एक विग। ये रियल हेयर नहीं है, सिंथेटिक का हेयर है। लिप्स के लिए मैंने यूज़ किया है PSE का फ्रेश कलर पैलेट। एक ब्राउन कलर से मैंने इनका पूरा जो लिप्स का बॉर्डर है वो कंप्लीट किया एंड बाकी लिप्स पर मैंने पिंक और रेड कलर एक साथ मिला के अप्लाई किया। इससे लिप्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एंड और भी ज़्यादा फ्लफी लगते हैं। हाइलाइटर मैंने अप्लाई किया एक लोकल कंपनी का हाइलाइटर। ये बहुत ही पिगमेंटेड है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड अभी हम लोग बालों को ऐसे ही खुला रखेंगे एंड इनको मैंने एक छोटा सा पिंक कलर का बिंदी भी दिया है जो इनके फेस पे बहुत ही अच्छा जा रहा था एंड इनके नेक और कॉलर बोन पे भी मैंने ब्रॉन्जर और हाइलाइटर अप्लाई किया था ताकि और भी अच्छा लगे। इयर रिंग को पहनाने के लिए मैंने एक धागा बांधा इयर रिंग से एंड उस धागे को सुई में लपेट के विग में ही सिल दिया ताकि इयर रिंग गिरे ना। तो इस तरह से इनका मेकअप लुक कंप्लीट हुआ। साइड में आप लोग देख सकते हो 2 रोज़ भी हम लोगों ने ऐड किया है, पिंक एंड वाइट कलर का 2 रोज़ एंड ये है हमारा फाइनल लुक। अगर आपको मेकअप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी ऐसे ही लुक चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।